मतलब वन साइडेड जो है पूरा एक कोटी का डिज़ाइन बनाया गया है। ये पूरा जो है आपको सेट मिलने वाला है, एंड इसके साथ ये आती है पूरी एक्सरसाइज की, मतलब पूरे पीस पे जो है वर्क किया गया है सितारा वर्क। फिर आते हैं इस तरह के आइटम, ये होते हैं कमाई के सौदे। क्यों? तो इस तरह के आइटम लेकर जाओ, जिस रेट में खरीदोगे डबल का ही सेल होगा, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। ये 3D HD प्रिंट है, देख रहे हो, ये ऐसे प्रिंट होते हैं जो मार्केट में बहुत लोग कम करवाते हैं। ये कोई सब्जी नहीं है जो आज ही कल ख़राब हो गई, ये 12 महीने चलेगी। ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर पूरा पीछे की तरफ, ये आपको सारी वैरायटी मिलने वाली है। आज के वक्त में लोग कन्फ्यूज हैं कि नौकरी करें या बिजनेस, मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है। अगर मान लो आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको एक प्रेशर होता है कि भाई आपको ये काम करना है, आपको इतना काम करना है, आपको ऐसे काम करना है, ये है नौकरी। और अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए तो बिजनेस में क्या है, प्रेशर वहाँ भी है कि मैंने माल खरीद दिया बहुत सारा, अभी बिकेगा कैसे, मान लो कहीं अभी सीज़न है कि नहीं है, कैसे माल बेचूंगा और कैसे नहीं बेच पाऊंगा। तो उसके लिए आपको कंफर्म कर दूं कि पहले तो ये वीडियो होने वाली है किड्स वेयर की, जो कि 12 महीने बिकता है। इसमें कहीं भी आपको ऐसा कोई बड़ा साइंस नहीं लगाना कि इसको बेचने के लिए आपको कोई सीज़न देखना है, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े जो है वो 12 महीने ही बिकते हैं। फिर बात करें आज के टाइम में हम काम को स्टार्ट करने की, अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार काम शुरू कैसे करेंगे। मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के आगे आपको नंबर मिल जाएगा, आप घर बैठे वीडियो कॉल के ज़रिए यहाँ पर सारे सैंपल देख सकते हैं। ये तो हो गया प्लस पॉइंट, आपका आना जाना सब बच जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको काम शुरू करना है और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप जहाँ पर रहते हैं, देखो क्या होता है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ कि आप लोग जब आने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, ताकि आपका आने जाने का किराया जो है वो ना वेस्ट हो। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप वहाँ पर जहाँ भी आपके आसपास की जो भी मार्केट है जहाँ पर जो है इस तरह के आर्टिकल सेल होते हैं, पहले आप एक बार ये नोट कर लो कि आपके यहाँ पर कौन सा टेस्ट बिक रहा है, फिर वहाँ के रेट चेक कर लो कि भाई किस रेट का माल जो है यहाँ के लोग बेचते हैं। फिर आपको इस शॉप पर कॉल करना है और कैटलॉग मंगवाना है। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस रेट का माल यहाँ से मुझे ख़रीदना है, कि अगर मैं बाज़ार लगाऊँ, सेल लगा रहा हूँ, या मैं शोरूम खोलने वाला हूँ, या मैं दुकान खोलने वाला हूँ, तो मैं उस पर जो है कितना माल जो है भरूँ और कौन से रेट का भरूँ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए आपको मैं आज वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आप कौन सा माल किस रेट का जो है यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको किड्स सेक्शन अगर बात करूँ तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही मिलने वाले हैं, ये बात हुई क्लियर। और बॉर्न बेबी से लेकर आपको जितने भी साइज होते हैं इनके अंदर, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 22, 24, 26 हो, उससे बड़ा, यहाँ पर आपको बॉर्न बेबी से लेकर 15-16 साल तक के बच्चों के कपड़े जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें आपको डेली वेयर वो मिलते हैं, एंड आपको फैंसी वेयर चाहिए तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है, समझना है कि यार मुझे कौन से रेट का माल खरीदना है। मैं आपको हर पीस की क्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि भाई किसमें कौन सा फैब्रिक लगा हुआ है और किस तरह के फैब्रिक के साथ कौन सी स्टिचिंग जो है वो इस्तेमाल किया थी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई हमारे यहाँ पर जो है कल को हम जो आगे माल बेचेंगे वो कस्टमर को क्या बता कर बेचें। और देखो मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि माल खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से माल ले रहे हैं और कैसे माल ले रहे हैं। मेरा काम है आपको रिव्यू करना कि आप लोग एक बार जो है ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं कि मैं माल खरीदने वाला हूँ और मैं यहाँ पर आके माल देखूँ, या पहले वीडियो कॉल कर लें या कॉल के ज़रिए आप यहाँ पे जो है पूरी जानकारी लें, दैन फिर आप घर से बाहर निकलें तो आपका आने जाने का किराया जो है वो बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो होने वाली है शिवानी कलेक्शन गांधीनगर दिल्ली वाला, ये आपको मैं कन्फर्म कर दूँ। शिवानी कलेक्शन गांधीनगर नियर तिकोना पार्क लैंडमार्क रहेगा यहाँ का, और सुभाष रोड जो कि फेमस यहाँ पर एक रोड है जहाँ पर आप इजीली पहुँच सकते हैं। हालांकि मैंने इस शॉप की काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सैंपल लोग देखते हैं, समझ में शायद नहीं आ पाता है कभी कभी, और लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं। बहुत सारी वीडियो मार्केट में बनती हैं और बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं। मेरा कहना ये है कि आप किसी की वीडियो देखो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग माल कहाँ से खरीद रहे हैं और कौन सा माल खरीद के लेके जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो कि सेल बाज़ार पटरी के लिए होता है, यानी कि बच्चों के ब्लूमर, यानी कच्छे और बनियान। यहाँ पर बात करूँ तो इन आर्टिकल की, ये आपको मिलते हैं यहाँ पर मात्र 10 रुपये से, जो कि काफ़ी अच्छे, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 10 के आइटम मिल रही है तो उसको कहीं भी जो है बेचने में दिक्कत आने वाली है। अब 10 रुपये के अंदर और क्या आइटम मिलेगा, बट ये जो है मार्केट में 20 रुपये तक आप सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप इससे बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे। मान लो ये कच्चे बनियान है, एक लिमिटेड सेल होती है, इसमें आपको इस तरह के पैटर्न जो है मिल जाते हैं जो कि आप अपने गारमेंट्स के अंदर मिला सकते हैं। आप बच्चों के ब्लूमर रख लो, इसमें आपको साइज़ जो है बच्चों सारे मिलने वाले हैं, बॉर्न बेबी से लेकर जो कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल तक आपको मिल जाते हैं। फिर बात करें यहाँ पर सैंडो बनियान की, जो कि यहाँ पर आपको मिलती है मात्र 12 रुपये, जिसमें आपको दो सेगमेंट मिलते हैं, एक तो आता है कलरफुल, और ये सारा माल जो है कॉटन का रहने वाला है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। ये है जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा काम को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये
हर दुकान पे चाहिए होता है, हर बाजार पट्टी में अगर आप रखते हैं तो भी आपको ये सेल देकर ही जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरत है लोगों की कच्चे और बनियान। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें दूसरा पैटर्न क्या आता है। दूसरा पैटर्न आपका रहेगा इस तरह के वाइट। तो ये तो हो गया बच्चों के ब्लूमर। फिर बात करें यहाँ पर मैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं यहाँ पर बच्चों के जो सूट होते हैं जिनको हम हौजरी बोलते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। फिर फैंसी वेयर जो कि मैंने आपको दिखाए थे वीडियो को स्टार्टिंग हाईलाइट में, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो अभी शुरू करते हैं एक बार जो वैरायटी है वो वाली, ये देखिए। अब आपको मिलते हैं इस तरह के जो है निक्कर, और उसका जो ऊपर आपको टी शर्ट मिलने वाला है वो आपको मिला इस तरह के। और ये जो आपको मिलता है वो मिलता है ओनली 25 रुपीज़, यानी 25 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरह का निक्कर रहेगा उसके अंदर, जो कि आप इजीली मार्केट में 50 भी सेल करेंगे तो भी डबल का मार्जिन हो गया, यानी कि 25 रुपीज़ पर पीस आप बाय करेंगे एंड 50 रुपीज़ आगे जो है वो सेल करेंगे। ये देखिए, फिर आपको इस तरह के आर्टिकल जो है वो मिल जाते हैं जो कि 50 रुपये स्टार्ट हो जाते हैं। 50 रुपये से लेकर आपको 50-60-70 तक के आइटम जो है वो इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि साइज़ के अकॉर्डिंग रेट जो है वो अप डाउन होता है। मान लो आप छोटा साइज लेंगे तो उसमें कपड़ा कम लगा होता है, आप मीडियम साइज लेंगे उसमें कपड़ा थोड़ा बड़ा हुआ लगेगा, आप उससे बड़ा साइज लेंगे उसमें कपड़ा और बड़ा लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग रेट जो है वो अप एंड डाउन होते हैं। फिर बात करूँ यहाँ पर बच्चों की डांगरी की, जो कि मार्केट में काफ़ी सेल होती है, और इस तरह के पैटर्न आपको जो है मिल जाते हैं जो कि 70 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर ये कलरफुल हैं जो कि बच्चों पर काफ़ी खेलते हैं, तो ये पैटर्न भी आप जो है ख़रीद सकते हैं यहाँ पर 70 रुपीज़ से। इसे आपको इस तरह आर्टिकल मिल जाते हैं जो कि स्टार्टिंग होती है मात्र 150 रुपये से, 150-100 जो कि स्टार्टिंग होती है 100 रुपये से। पर 100 रुपये का आर्टिकल नहीं था ना, ये बात 100 में आपको आइटम मिल जाती है। 100 हो गया, जैसे मान लो ये वाला आइटम हो गया, इस तरह आपको 100 में मिल जाते हैं। 100 रुपये हो गया, 150-200 रुपये, जितनी अच्छी क्वालिटी का आप जब माल लेंगे, मान लो आपने ये जो है पीस उठाया है और आपको चाहिए ये वाला आइटम, तो आप खुद समझ सकते हैं इसका अंदाज़ा जो है वो क्या रहने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है, क्योंकि मेरा क्या होता है, देखो मैं अगर मान लो सबके रेट ओपन कर दूंगा, देखो यहाँ पर थोड़ी सी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं सबके रेट ओपन कर दूंगा तो आपको आगे बेचने में बड़ी दिक्कत होने वाली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि क्या है कि सबको पता है कि भाई आज टाइम में क्या है कि गारमेंट्स की लाइन में आज टाइम वीडियो इतनी बनती है, तो रिटेलर को बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो रेट चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मुझे 100 वाला माल चाहिए, आपको 100 वाला माल मिलेगा। आपको 120 वाला चाहिए, 110 वाला चाहिए, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 5 रुपए के डिफरेंस पे आपको यहाँ पर अनलिमिटेड वैरायटी मिलने वाली है, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर पूरा पीछे की तरफ ये आपको सारी वैरायटी मिलने वाली है। एंडर बात को देखिए पीछे की तरफ, ये पूरा जो है यहाँ पर आपको सैंपल सैंपल भरे हुए जो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आइटम सारी अवेलेबल होगी, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा माल लेकर जाना है। अब देखिए इस तरह के सेट आपको मिलते हैं, सारा माल आपको मिलेगा बॉक्स के अंदर, अनलिमिटेड वैरायटी मिलती है, 100 रुपये शुरुआत हो जाती है, 100 से लेकर 250 रुपये बीच आपको ये आइटमें जो हैं वो मिल जाती हैं। बाकी आप इन सबको जब कैटलॉग में मांगेंगे तो सब पे जो है वो रेट ऑलरेडी कैटलॉग के ऊपर मेंशन होंगे। आपको रेट जानने के लिए क्या करना है, आपको हाई लिखकर नहीं भेजना है। अगर आप शॉप चला रहे हैं तो आपको शॉप का कार्ड भेजना है। अगर आप नया बिजनेस करने वाले हैं तो आपको पहले बताना है कि सर मुझे नया काम शुरू करना है या मैं माल खरीदने आ रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो सारी जानकारी आपको लेने के बाद ही जो है यहाँ से माल खरीदना है। एंड अगर बात करूँ मैं कि अगर आपको कैटलॉग चाहिए पूरा तो आपको शॉप का कार्ड भेजना ज़रूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि भाई सारी आइटमें जो हैं अगर मैं शो कर दूंगा या रेट सबके शो हो जाएंगे तो आगे रिटेलर जो है वो कैसे बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी सिंगल पीस नहीं मिलता है, ना किसी रिटेलर के लिए आपको माल मिलने वाला है। जो लोग होलसेल बिजनेस करते हैं आगे, जिन लोगों को दुकान खोलनी है, उनके लिए आपको यहाँ पर आर्टिकल जो है वो मिल जाते हैं, आपको इस तरह की वैरायटी जो है मिल जाती है। फैब्रिक की अगर बात करूँ तो इम्पोर्टेड फैब्रिक आपको जो है मिल जाता है। फिर आपको बात करूँ उसके निक्कर की, देखिए निक्कर भी आपको मिलता है इम्पोर्ट क्वालिटी का, जो कि अच्छी डायनम है, आपको जो है मिल जाती है। तो यहाँ पर जो आइटम वो आपको 100-150-200 में इस तरह की हौजरी आइटम जो है वो मिल जाती है। इसमें काफ़ी सारे पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये देखिए, ये देखिए, मतलब वैरायटी सारी आपको यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। बस आपको देखना ये है कि मेरे यहाँ पर कौन सा माल जो है बिकने वाला है। आइटम शुरू हो जाती है यहाँ पर 10 रुपये से, 10 से लेकर जैसा मैंने आपको बताया ना वीडियो में कि जो भी आइटम आपको चाहिए जिस रेट की चाहिए वो सारी यहाँ पर अवेलेबल होगी। ये देखिए वैरायटी हर तरह की अवेलेबल है, फैब्रिक सारे अवेलेबल हैं, साइज सारे अवेलेबल हैं, चाहे बॉर्न बेबी के लिए हो, चाहे वो 10 साल के बच्चे के लिए हो या वो 15 साल के बच्चे के लिए हो। देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर जो है मिल जाते हैं, और ये वही फैब्रिक हैं जो बड़ी टी शर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर जो है वो मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पूरा कैटलॉग जो है वो मंगवा सकते हैं। कलर चार्ट सबके अंदर अवेलेबल होंगे, इस तरह से पूरा 3 पीस का बॉक्स आने वाला है, तो आप लोग ये खरीद के अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई हम खरीदें क्या। अब देखो 10,000 रुपये का मान लो 1, 2,
तीन तीन वैरायटी ये ले ली, तीन वैरायटी फैंसी ले ली जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ अभी। ये देखिए आरएफडी के अंदर जो कि वॉशिंग होती है, आपको पता है कि इस तरह की डेनम वॉशिंग चलती है, तो ये सारे पैटर्न मार्केट में चलते हैं। अगर आप अच्छा खरीदेंगे तो अच्छा आपको जो है मार्जिन मिलने वाला है, लेकिन पहले आप पीस की क्वालिटी चेक कर लें, क्योंकि कैमरे पे ये चाहे कैसा भी लग रहा हो लेकिन ये फैब्रिक फील करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ जो है वो बिकने वाला, क्योंकि पीस का कलर कॉम्बिनेशन, प्रिंटिंग क्वालिटी एंड जो निक्का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मतलब आइटम तो बहुत सारी है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी कि कितनी वैरायटी आपको मिलती है। ये देखिए मतलब एक से एक यूनिक आइटम आपको मिल जाती है, एक से एक यूनिक आइटम। कलर कॉम्बिनेशन सारे अवेलेबल है यहाँ पर, बस फ़ोन उठाना है, कॉल करना है और जानकारी लेनी है। बिजनेस करने से पहले पूरी इंक्वायरी कर लें कि भाई कैसे आप लोग जो है वो माल खरीदने वाले हैं। शॉप काफ़ी पुरानी है, जीएससी सर्टिफाइड है, तो आप एक बार बिजनेस शुरू करने से पहले यहाँ पर विजिट जरूर करें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि भाई हम कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सी कंपनी जो है हमें ये माल दिखा रही है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके लिए रिव्यू लेकर आता हूँ कि कहाँ पर आपको किस तरह के आइटम जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है कि भाई आप लोग जो है वो क्या खरीदने वाले हैं, कहाँ बेचने वाले हैं, क्या बेचने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप उसके बारे में सर्वे नहीं करेंगे तो शायद आपको लगे कि यार मेरा पैसा फंस गया। लेकिन गारमेंट्स है तो बच्चों के कपड़े में तो ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना है। तो ये माल तो देखो ये कोई सब्जी नहीं है जो आज ही कल ख़राब हो गई, क्योंकि ये 12 महीने चलेगी, तो आप कभी भी इसको कहीं पर भी बेच सकते हैं। मान लो किसी में आपको कम प्रॉफिट मिल रहा है तो कम प्रॉफिट बेच देना, मान लो 20 रुपये बोलना है 20 रुपये बेच दो, जरूरी इस पर 250-300 रख के बेचना है, तो आपका जो है कस्टमर ज़्यादा आएंगे अगर आप कम क्वांटिटी के अंदर माल सेल करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए भाई, अगर मान लो मार्जिन कम रखोगे तो चीज़ें अच्छी बिकेंगी और ज़्यादा बिकेंगी। मतलब क्वालिटी ऐसी है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको आगे ये बताने की भैया वाला माल ले जाओ, वो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बिकेगा। अब बहुत से लोगों के मन में एक डाउट होता है कि भाई वीडियो देख ली बिजनेस कैसे करें। मैं आपको एक बात कन्फर्म कर दूँ, अगर आप लोग किसी होलसेलर से जुड़ते हैं, मान लो ये तो चलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो ऑलरेडी मार्केट में पहले से है, जिसको पता है कि भाई कहाँ पर कौन सा माल बिकता है, क्योंकि वो जो है पूरे हिंदुस्तान में ही माल भेज रहा है, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, हर स्टेट में माल जाता है, उसको पता है कौन सा माल कहाँ पर जो है वो ज़्यादा चलता है। लेकिन अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि बिजनेस करेंगे कैसे, तो आपको यहाँ पर ये भी सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप खरीदेंगे, कैसे आप आगे बेचेंगे और क्या मार्जिन रख के बेचेंगे। अगर मान लो कहीं पर मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करके कैसे बेचेंगे, ये पूरा सिस्टम जो है आपको बता दिया जाएगा। भाई जो यहाँ के टीम के ऑनर हैं या जो टीम को मैनेज करते हैं वो आपको बता देंगे भाई कैसे जो है यहाँ पर काम आप शुरू कर सकते हैं और आगे जो है कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना आपको यही है, बिजनेस शुरू करने से पहले हर चीज़ को समझें, क्योंकि आपको आगे काम करना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार नहीं 100 बार सोचें, क्योंकि आपकी जो कमाई है वो मेहनत से आई है, खून पसीने की कमाई है, तो आप कभी भी जो है किसी को ऐसा नहीं दे देंगे। आप देखें और तब बिजनेस शुरू करें। मतलब वैरायटी तो एक से एक हटके होने वाली है, जिसमें कोई भी ना डाउट नहीं है, बस वैरायटी अनलिमिटेड है, अनबीटेबल है, जो ऐसी आइटम आपको मिलने वाली भी नहीं है। देखिए ये 3D HD प्रिंट है, देख रहे हो, ये ऐसे प्रिंट होते हैं जो मार्केट में बहुत लोग कम करवाते हैं, इसी में बहुत सारे सेगमेंट हैं। एक से एक यूनिक वैरायटी, एक से एक यूनिक पैटर्न आपको मिलते हैं, एक से एक यूनिक, मतलब समझ रहे हैं? ये फैब्रिक ऐसा है कि आप जब से पकड़ेंगे ना आपको लगेगा हाँ वैरायटी जो ज़बरदस्त मिलने वाली है। ये देखिए इस तरह के आपको मिलते हैं फंकी, ये कैप आपको मिलती है, ये ऊपर से जो 3D का पूरा पैच दिया हुआ, पास से देखिए एक बार, इस तरह का पूरा जो आपको मिलने वाला है इसमें। फिर एक्सेसरी मिलने वाली है, एंड कॉम्बिनेशन देखिए पीस का, मतलब कॉम्बिनेशन पीस का ऐसा रहने वाला है जो कि मैं मजबूर हूँ कि इसे बिछाऊँ एक बार, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगे, देखो मतलब पीस देख रहे हो एकदम अल्टीमेट लग रहा है देखने में, खुद में ही ज़बरदस्त। और ऐसे ही यहाँ पर ढेरों पैटर्न है। अब बढ़ते थोड़ा फैंसी वैरायटी की तरफ, क्योंकि ये कितनी वैरायटी दिखा लूँ एंड तो होने वाली है नहीं। कुछ सैंपल आपको दिखाता हूँ फैंसी के जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब वैरायटी देख रहे हो, वैरायटी ज़बरदस्त आइटम है, ज़बरदस्त जी बोलते हैं। देखो कलर कॉम्बिनेशन, पीस का वर्क देखो, ये देखिए वैरायटी, मतलब आइटम ज़बरदस्त है। फ्रंट देख लो इसका एंड इसकी बैक देख लो, ज़बरदस्त देखो कलर कॉम्बिनेशन। ऐसे ही यहाँ पर आपको हज़ारों पैटर्न मिल जाएंगे, जो कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैरायटी एक से एक हटके मिलने वाली है, लेना आपको है। लेकिन हाँ, ये माल आपको जो है वो डबल का प्रॉफिट देकर ही जाएगा, क्योंकि इस माल में आपको अभी तक जो मुझे लग रहा है, मैंने पीस को चेक किया है, मैंने पीस को फील किया है कि जिस रेट की आइटम है ये, मान लो इसका रेट अगर बात करूँ तो मैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा,
मैंने आपको बताया 200-250-300 एंड है इन वैराइटीज़ में। और चलो मान लो कोई और फैंसी आइटम भी होगी तो वो आइटम भी आपको जो है डबल का मार्जिन देकर जाएगी। आप कहीं भी उसको चेक कर लेना दे जाकर एक बार। बस आपको काम शुरू करना है। बिजनेस शुरू करने में क्या होता है, आप फ्रीडम से काम करते हो, हाँ प्रेशर ज़रूर होता है, देखो भाई पैसा लगाए पीछे तो आगे प्रेशर तो हो गई ना। लेकिन किड्स वेयर के अंदर क्या है कि आपको आगे ना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किड्स वेयर सेल हो ही जाता है। नौकरी में क्या बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पीछे पीछे होती हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हो, काम ठीक से नहीं कर रहे हो, ये है वो है फलाना दिमाग का, और कितने पैसे मिलते हैं आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या है कि इसका कोई एंड नहीं है, आप जितना मर्जी कमा सकते हो। सोचो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप किसी पीस को बेच रहे हो मार्केट में, ठीक है, अब आपने इसको जो है आपको लगता है कि मुझे जो है दुकान खोलनी है और मुझे इस आइटम को बेचना है 250 खरीद के 500 का, ठीक है। अब क्या है मान लो दो कस्टमर आएंगे, चार कस्टमर आएंगे, आप एक काम करो 250 का आइटम लो और 300 बेच दो, अब आपकी क्वांटिटी सेल हो जाएगी। सोचो एक पीस पे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 30 रुपये भी अगर बच रहे हैं ना सारा किराया भाड़ा GST काट के, तो भी आपको 30 के हिसाब से अगर मान लो दिन में आप कितने पीस बेच रहे हो, अगर आप 100 पीस बेचोगे आपको पता अंदाजा कितना हो गया 3000 रुपये, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बिक रही है। और यहाँ पर क्या बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको लगानी है कि मुझे माल बेचना है कैसे, क्योंकि आज टाइम में सब कुछ बिकता है, आपको अच्छी तरह पता है आज टाइम में सब कुछ बिकता है, तो फिर भी गारमेंट्स है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लेकर जा रहा हूँ, कैसे बेचूँगा, कितना कम मार्जिन रखूँ ताकि मेरा माल ज़्यादा सेल हो। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या है, दिन में 1-2 पीस ही बेच पाओगे और बाज़ार में घुस जाओ तो अनलिमिटेड कमाई है, क्योंकि बाज़ार में तो आइटम का पता नहीं कब कहाँ कितनी सेल हो जाए, इसका कोई एंड नहीं है। तो नौकरी जो महीने में करोगे उससे अच्छा तो आप बिजनेस कर लो। और किड्स वेयर का ऐसा सेगमेंट है जो कि 12 महीने में ना आपको लॉस तो नहीं देने वाला। तो ये जो है वैरायटियां ऐसी हैं कि जिन पे ना कोई डाउट तो नहीं है, ये देखो मतलब सारी आइटम एक से एक हटके होने वाली हैं जो भी आप खरीद रहे हैं। ये देखो मतलब हटके आइटमें सारी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, बस खरीद के ले जाओ और बिजनेस को अपने आगे बढ़ाओ। लेकिन जो जानकारी दिए ना उसका ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कैसे माल लेना है, कौन सा माल लेना है, कहाँ से माल लेना है, कैसे बेचेंगे, आगे प्रॉफिट क्या होगा, अभी लगाएंगे पैसा तो आगे क्या होगा, कितना लेकर जाएं, कितना प्रॉफिट कमाएं, ये सारी बातें आपको एक बार प्लान करनी है कि मैं आइटम लेकर आऊँगा, मैं आइटम को आगे इतने का बेचूँगा, क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आज टाइम में क्या है, मान लो 10,000 रुपये के अंदर आइटम शुरू हो जाती है, 10,000 रुपये के अंदर आप पूरी वैरायटी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो आपने क्या है कि कच्चे खरीद लिए, बनियान खरीद ली, कितनी ज़्यादा नहीं 50-50 क्वांटिटी आपकी हो गई। उसके बाद वैरायटी जो है, अगर आप पटरी लगा रहे हैं, बाजार लगा रहे हैं, 25 वाले आइटम लेकर जाओ, 50 वाले आइटम लेकर जाओ, 100 वाले आइटम लेकर जाओ, 150 वाले आइटम लेकर जाओ, मार्केट के अंदर बाज़ार में अगर आप बैठे हैं तो आप पटरी में भी ना आज के टाइम में क्या है 250-300 की आइटम बिक जाती है। तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि 150 ही खरीदे तो 300 का सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें बेच रहे हो, आपको लगता है कि मुझे ना बड़े लेवल पे काम करना है, मुझे शोरूम खोलना है, तो इस तरह के आइटम लेकर जाओ। जिस रेट में खरीदोगे डबल का ही सेल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो हो गया सारा हॉजरी का सेगमेंट जो कि फैंसी के अंदर था। अब आपको दिखाता हूँ कुछ फैंसी कलेक्शन जो कि पार्टी वेयर में चलते हैं या किसी भी ओकेशन पे आप जो है उनको सेल कर सकते हैं। आइए फिर आते हैं इस तरह के आइटम, ये होते हैं कमाई के सौदे। क्योंकि क्या होता है कि ये आइटम 12 महीने तो नहीं बिकती, लेकिन जब ओकेशन होते हैं या पार्टी होती है, शादी होती है, वहाँ पर ये आइटम दबा के बिकते हैं। और ये स्टार्टिंग जो होती है यहाँ पर हो जाती है मात्र 200-250 रुपये में शुरुआत हो जाती है इसकी भी। हाँ हालांकि पैंट शर्ट का जो सेट है वो आपको मिलता है 150 रुपये से, लेकिन जो फैंसी सूट आते हैं वो स्टार्टिंग हो जाती है मात्र 220-230-250-300 इस तरह से वैरायटी आपको जो है मिल जाती है। इसमें आपको ये मिलता है एंड आपको मिलती है फुल लेंथ की पैंट, जो कंप्लीट एक पूरा सेट आपको मिलने वाला है। फिर ये सारा आपको मिलता है बॉक्स के अंदर। ये देखिए ये आइटम जो है वो मार्केट में बिकती हैं, मतलब पूरे पीस पे जो है वर्क किया गया है, सितारा वर्क, ज़बरदस्त आइटम है। तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए मतलब आपको यहाँ पर कंप्लीट गर्ल्स बॉयज़ सबकी वैरायटी मिल जाती है। लेकिन क्या होता है कि एक वीडियो में सब कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए ये पूरा जो है आपको सेट मिलने वाला है एंड इसके साथ ये आती है पूरी एक्सरसाइज की, ये तो ये भी आपको कंप्लीट यहाँ पर सेट मिलने वाला है शेरवानी का। तो ये भी काफ़ी चीप प्राइस में आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। अब देखो आपके लिए दिखाता हूँ एक अलग कॉन्सेप्ट जो कि हाफ एंड हाफ में चलता है। ये देखिए
मतलब वन साइडेड जो है पूरा एक कोटी का डिज़ाइन बनाया गया है, और ये आपको मिलता है देखिए इस तरह से। मतलब आइटमें ज़बरदस्त है, नो डाउट है, आप आराम से आके खरीद सकते हैं। ऐसी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड वैरायटी मिलने वाली है। बस क्या है कि देखो वीडियो में क्या है कि कितना भी लंबा कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको तब भी कॉल करनी है, आपको तब भी आना है, तो आप एक बार जो है उसको घर से निकलने से पहले कर लो। बाकी अगर आप नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल के ज़रिए माल देखो, वैरायटी देखो, पैन इंडिया जहाँ भी आपको माल चाहिए आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। किसी भी शहर किसी भी गांव में आपको 10 से 15 हज़ार का मिनिमम ऑर्डर जो है वो मिलने वाला है। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आप अपने अमाउंट का 10% अमाउंट यहाँ पर डाल के अपना माल बुक कर सकते हैं। यानी कि मान लो सपोज़ आपको 50,000 का माल चाहिए, आप 5,000 डालो और बाकी 45,000 तब आपको पे कर दें जब आपका माल आपके घर पर पहुँच जाएगा, उस पर आपका नाम लिखा होगा, आप वहाँ पर जो है कोरियर बॉय को बाकी अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। चाहे आप 1,00,000 का माल लेने वाले हो, आप 1,00,000 का माल लेंगे तो आपको 10,000 पे करने हैं। इस तरह से आपको 10% अमाउंट जो है वो देना होता है। वो किस लिए मैं आपको कन्फर्म कर दूँ वो बात भी, बहुत से लोगों के मन में होता है कि भाई एडवांस क्यों दे रहे हैं। मान लो कि आपने बोला कि सर माल भेज दो, यहाँ से कंपनी ने किया कि पूरा पार्सल पैक कर दिया। अब क्या होता है कि ये जब जाएगा खुलेगा वापस आएगा तो आने जाने का भाड़ा कौन देगा? मान लो आपने ना कर दिया, क्योंकि ये तो बुरी दुकान है आप शुरू कर रहे हो, तो सोचो कि क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। आने जाने का किराया कम से कम अगर आपके स्टेट में आएगा तो भी वो 1500 से लेकर 2,000 रुपये होता है, 1,000 रुपये से स्टार्टिंग आती है, 1,000, 1,500, 2,000 रुपये, वो भाड़ा कौन देगा मान लो आपने मना कर दिया तो इसीलिए वो सिक्योरिटी अमाउंट होता है ताकि आपका जो पार्सल है वो आपके घर तक पहुँच जाए एंड आप उसको रिसीव कर लें, इसलिए वो अमाउंट जो है वो आपसे लिया जाता है। बाकी जहाँ भी आपको माल मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 230 का खरीद के आप लोग जो है इन आइटम को 500 तक सेल कर सकते हैं, और इसमें ना कई सारे पैटर्न आते हैं। ये देखो एक पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो वैरायटी सारी अवेलेबल है, जानकारी पूरी दे दी है। ये आखिरी पीस है हमारा कि वैरायटी तो बहुत सारी मिलने वाली है, लेकिन एक आइटम मुझे और अच्छी दिख रही है वो भी आपको मैं दिखा दूँ। ये वाली क्या होता है कि मैं तो बोलूँगा आखिरी पर, लेकिन क्या होता है यहाँ पर आइटम इतनी सारी हैं कि उसका एंड जो नहीं कर पाते हैं, तो वैरायटी आपको सारी मिल जाएगी। उम्मीद करूँगा आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। अगर आपका आना बनता है वेल एंड गुड, नहीं आना बनता है कॉल के ज़रिए काम कर सकते हैं, घर बैठे पूरी जानकारी ले लो तभी आओ, ताकि आपका आने जाने में किराया लगने वाला है वो वेस्ट ना हो। तो उम्मीद करूँ आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। पेमेंट मोड सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, फ़ोनपे, गूगल पे, ATM, Paytm, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। अपना माल आओ, छांटो, लेकर जाओ और अपना बिजनेस शुरू करो। नहीं पता तो आपको पूरी गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। और यहाँ पर जाते जाते आपको बता दूँ एक प्लस पॉइंट और है। मान लो आपका माल रुक जाता है, मान लो आप माल ले गए नहीं समझ में आया, तो आप माल रिटर्न करके दूसरा माल ले जा सकते हैं 1 साल तक। लेकिन उसकी कंडीशन आपको मैं यहीं क्लियर कर दूं, ताकि आपको वीडियो में ये ना लगे कि भैया वीडियो में आपने बताया नहीं, दुकान पे आने का कुछ और ही माहौल है। मैं कन्फर्म कर दूं, सेट जाएगा पूरा और सेट आएगा पूरा वापस। मान लो ऐसे क्या है कि इसमें क्या है जी, देखो ये जो है 3 पीस का बॉक्स है, 1, 2 और 3, ये सेट आपका नहीं बिकता है तो आप जो है कभी भी अपना माल लाकर नया माल ले जा सकते हो। ये कन्फर्म करना ज़रूरी है कि आपने 1 पीस भेज दिया, बाकी आप 2 पीस लेकर आओगे तो वो वापस जो है नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर पूरा सेट लेकर आओगे आपको माल जो है वो पूरा एक्सचेंज करके नया माल आपको मिल जाएगा आपके अमाउंट पे। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट का, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद व्लॉग्स ब्लास्टर्स।